लेबनान के हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल को अपने भीषण हमलों से दहला कर रख दिया है। वहीं दूसरी तरफ अब हिजबुल्ला के हमलों को लेकर पीएम नेतन्याहू अपने ही घर के भीतर बुरी तरह घिर चुके हैं। दरअसल नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट के कई नेताओं ने अब उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्ला पूरी ताकत से इजरायली सेना के ऊपर टूट पड़ा है। दरअसल अब हिजबुल्ला ने इसराइल पर एक साथ 6 हमले किए हैं और ये हमले इजरायली सेना के सैन्य ठिकानों पर किए गए हैं। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने 30 अप्रैल और 1 मई की आधी रात को करीब 12:05 पर दवेव सेटलमेंट पर एक हमला किया, जहां पर इजरायली सैनिक एक इमारत में शरण लिए हुए थे और इस हमले के तुरंत बाद 12:10 पर हिजबुल्ला के लड़ाकों ने अवीविम सेटलमेंट में इजरायली सैनिकों से भरी एक बिल्डिंग पर रॉकेट दाग दिया था। हिजबुल्ला का कहना है कि इस हमले में आईडीएफ को भारी नुकसान हुआ है और इसके बाद दोपहर करीब 2:10 पर हिजबुल्ला के लड़ाकों ने मैतुला सेटलमेंट में आईडीएफ के मरकावा टैंक पर गाइडेड रॉकेट दाग दिए। पहले तो हिजबुल्ला ने इस टैंक की मॉनिटरिंग की और उसके बाद घात लगाकर इस टैंक पर सीधे रॉकेट फायर कर दिया, जिसमें आईडीएफ के चालक दल को भारी नुकसान हुआ है। हिजबुल्ला का कहना है कि आईडीएफ इसी टैंक से दक्षिणी लेबनान में आम नागरिकों पर गोले बरसा रही थी और इस हमले के बाद शाम करीब 6 बजे हिजबुल्ला ने एक बार फिर से कब्जे वाले शीबा फार्म्स के अल रडार साइट पर रॉकेट और गोला बारूदों से हमला किया। हिजबुल्ला का कहना है कि उसके दूसरे हमले में आईडीएफ की 2 बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं, जो मैतुला साइट में थी। और इस हमले के बाद रात करीब 8:17 पर हिजबुल्ला ने बेहद ही सुनियोजित तरीके से इफ्ता रमोत नफ्ताली ट्रायंगल में इजरायली सैनिकों पर एक और बड़ा हमला कर दिया। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने इस हमले में आईडीएफ पर रॉकेट और गोला बारूद दागा है, जिससे इजरायली फौज का वाहन पूरी तरह से तबाह हो गया और उसमें आग लग गई। लेकिन इन हमलों के बीच इसराइल के पूर्व डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल याइर गोलान ने नेतन्याहू पर बहुत बड़ा हमला किया है। उत्तरी इसराइल पर हिजबुल्ला के हमलों को लेकर गोलान ने कहा कि उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला आग बरसा रहा है, शहरों और कस्बों को हिजबुल्ला के हमलों के लिए छोड़ दिया गया है। नेतन्याहू रफा में बिना किसी रणनीतिक महत्व के ऑपरेशन के बारे में बड़बड़ा रहे हैं, जबकि मैतुला पर हिजबुल्ला लगातार भीषण हमले कर रहा है। गोलान का कहना है कि नेतन्याहू ने उत्तरी इसराइल को कुचल दिया है और उसे हिजबुल्ला की दया पर छोड़ दिया है।